सीतामढ़ी जिले में जल सैलाब, कहीं नदी तो कहीं बरसाती पानी से तबाही, पानी में सिसकती लाखों जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। मैं हूं दीपक कुमार। पेश है सीतामढ़ी बिहार से रोहित ठाकुर की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले में कहीं नदी तो कहीं बरसात का पानी से हर तरफ तबाही का आलम। 21 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक लगातार बारिश ने परेशानी फिर बढ़ा दी। सुरसन, सोनबरसा, परिहार, भिट्ठा मोर, बेलसन, चरौत, बाजपट्टी, रुन्नी सैदपुर आदि इलाकों में लाखों की आबादी जल जमाव व नदियों की बाढ़ से तबाह है। रुन्नी सैदपुर में NH-77 किनारे तंबू लगाकर जीने को लोग मजबूर है। परिहार में मरहा व हरदी नदी एक बार फिर उफना गई है। मरहा नदी में आए उफान से सुतिहारा पुल व लचका में 3 फीट पानी का बहाव हो रहा है। भिट्ठा मोड़ से पूरब कुछ दूरी पर ही NH-104 पर नदी का पानी चढ़ गया है। बेलसन पमरा पुल पथ में माची गांव के निकट कठोर छोटका पुल के पास और बेनीपुर पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। सोनबरसा में झीम नदी व लखनदई बाढ़ से दर्जनों घर तबाह हो चुके हैं। परिहार में हर तरफ पानी ही पानी। लगातार बारिश से मरहा एवं हरदी नदी एक बार फिर उफना गई है। कई गांव पानी से घिर गए हैं। वही प्रखंड कार्यालय परिसर में भी पानी प्रवेश कर चुका है। कई जगहों पर सड़कों के ऊपर पानी का बहाव हो रहा है। सरेह पूरी तरह जलमग्न हो गया है। फसलों की भारी क्षति की सूचना है। परिहार प्रखंड के भिसवा पथ में बिशनपुर एवं चांद टोला के समीप सड़क के ऊपर पानी बह रहा है। अंधगांव में एवं रमनैका पथ में मैसहा मोड़ के समीप सड़क के ऊपर पानी का बहाव जारी है। प्रखंड के एक डंडी, अमुआ, रमनैका, जगदर, लहुरिया, खुरसाहा, महुआबा, महादेवपट्टी, परसा, इंदरवा, बाया, फुलहट्टा, मलाही, बिशनपुर, मझौरा आदि गांव के निचले इलाकों में पानी फैल गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई इलाकों में पानी घुसने की भी सूचना है। NH-77 बना दर्जनों गांव का आशियाना रुन्नी सैदपुर प्रखंड के दर्जनों गांव में घरों में पानी घुस चुका है। भोजन पानी का संकट है। सरकारी राहत और बचाव की बात तो दूर, सुरक्षित स्थानों तक निकलने के लिए एक अदत नाव भी मैसर नहीं है। उफनाई, लखनदई और मनुस्मारा के फैलाव से इलाके की स्थिति गंभीर हो चुकी है। बागमती का पानी कटौंझा में अपने लाल निशान से 1.77 मीटर ऊपर बह रही है। नाव की कमी के कारण लोग परेशान हैं। रुन्नी सैदपुर उत्तरी वार्ड संख्या 4, 5 व 7 के लोग NH-77 किनारे तंबू लगाकर जीने को मजबूर है। गाढ़ा, धनुषी पथ व अथरी रैन विष्णु पथ पर पानी की तेज बहाव के कारण यातायात अवरुद्ध है। बगाही, रामनगर, अथरी रैन विशुनी, रुन्नी सैदपुर उत्तरी, रुन्नी सैदपुर मध्य, रुन्नी सैदपुर दक्षिणी, प्रेमनगर, गाढ़ा, धनुषी, मानी चौक उत्तरी, मानिक चौक दक्षिणी, कौड़िया लालपुर, टिकौली, थुम्मा, मोरसन, गंगवारा, बुजुर्ग व देवना बुजुर्ग पंचायत के दर्जनों गांव में बाढ़ के पानी का फैलाव है। सुतिहारा पुल व लचका पर 3 फीट पानी की खबर है। सुतिहारा, रधौर, बेलहिया, कंसारा, बखरी, मकनोहिया सहित दर्जनों गांव के सरे में बाढ़ का पानी फैल जाने से धान के बिचरे सहित अन्य फसल नष्ट हो गए हैं। श्रीखंडी भिट्टा पूर्वी के महादलित टोला वार्ड 5 में रातो नदी में आई बाढ़ से श्रीखंडी भिट्ठा पूर्वी वार्ड नंबर 5 महादलित टोला में दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। महादलित टोला वार्ड नंबर 5 के बाढ़ प्रभावित लोग ऊंचे स्थान पर जान माल की सुरक्षा के लिए जाने की तैयारी में हैं। सीतामढ़ी से रोहित ठाकुर की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप तो दूसरी तरफ ये आफत लाती हुई बाढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। सीतामढ़ी से रोहित ठाकुर की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप तो दूसरी तरफ बाढ़ से हाहाकार। यह है सीतामढ़ी के भक्तपुर के पास का कुष्ठ कॉलोनी, जो पूर्ण रूप से पानी में डूबा हुआ है।
और ये एक साल की बात नहीं है, हर साल इनकी यही स्थिति होती है। हर साल इनको अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर और ऊंचे स्थान पर रेलवे लाइनों पे इनको शरण लेना पड़ता है। देख सकते हैं पानी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, कहीं से भी बचने का कोई चांस नहीं है और लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए बैठे हुए हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ और साथ में जितना हो सका अपने पशुधन को भी बचाने का कोशिश किया, लेकिन इन लोगों के पास सरकारी सुविधा के नाम पर अभी तक कुछ भी मुहैया नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि पीने के पानी का भी साधन नहीं है इनके पास। दूर दूर से पीने के लिए ये पानी लेकर के आते हैं और खाने की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि पिछले 5 महीने से लॉकडाउन की स्थिति है, जिस कारण हर किसी का जो 2 पैसे कमाने का जरिया था वो बंद हो चुका है। और वो ऐसे समय में ये बाढ़ जैसी स्थिति देख सकते हैं, दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है ये लोग ऊंचे स्थानों पर बांध पर अपना आसियाना डालकर, पन्नी तानकर, तिरपाल लगाकर आसरा लिए हुए हैं, लेकिन ना इनके पास खाने की व्यवस्था है ना साफ पानी पीने की व्यवस्था है। कहीं से कुछ सुविधा इनको अब तक मुहैया नहीं हो पाई है। क्या प्रशासन इस इंतजार में है कि कोई बड़ी अनहोनी हो जाए, उसके बाद ही हम लोगों तक राहत पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं सामने कुष्ठ कॉलोनी पूर्ण रूप से डूबा हुआ है और रेलवे स्टेशन के ठीक उत्तर में ये कृष्णा कॉलोनी है जो कि पूर्ण रूप से बाढ़ में डूबा हुआ है और लखनदेई नदी का पानी हर तरफ फैला हुआ है। देख सकते हैं पानी किस तरह से खतरे के निशान के करीब है और पानी का बहाव भी तेज है। सामने ये विद्यालय है, ये भी पानी में डूबा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, हर तरफ सिवाय तबाही के और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय सीतामढ़ी, आप समझ सकते हैं लोगों के दुख दर्द को, तकलीफ को। एक तरफ हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जो पूर्ण रूप से ताल ठोक कर ये दावा करते हैं कि हम हर क्षण हर पल अपनी जनता के लिए मौजूद हैं, उनके दुख तकलीफ को दूर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखिए प्रयास किस तरह का है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, लोग ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर हैं, लेकिन अब तक 10 दिन होने को आ गए हैं, लेकिन अब तक इन लोगों के पास किसी तरह का राहत के नाम पर 100 ग्राम चूड़ा तक नहीं मिला इन लोगों को, 100 ग्राम मीठा तक नहीं मिला है, ना 1 पैकेट बिस्किट तक मिला है। सिर्फ ये झूठे दावे हैं, सिर्फ झूठे दावे करती है सरकार और सरकार के दावों की पोल खोल रही है यहाँ की जनता, जो पल पल दुख से भूख से बिलख रही है। पशुओं को भी रोड पर इन्होंने बांधा हुआ है बांध पर, कहीं चारा की व्यवस्था नहीं है, ना ही पानी पीने का कोई साधन है इन लोगों के पास। देख सकते हैं यहाँ पे कि लोग किस तरह शरण लेकर के भूखे रहकर अपना दिन काट रहे हैं। ये नज़ारा है यहाँ के रीगा रोड का, लोग कुष्ठ कॉलोनी के निवासी हैं, जानकी नगर के। कितने दिनों से यहाँ पर शरण लिए हुए हैं आप लोग? 1 महीना से। अच्छा, आप कह रहे हैं पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं जैसे बिहार सरकार ये नल जन योजना के तरह गली गली में हर जगह नल लगवाए हुआ है, तो यहाँ पे नल है, इसमें पानी आता है या नहीं? आता है, लेकिन करेंट है इसमें, करेंट अच्छा से नहीं चल जाता है। 4 दिन पर 5 दिन पर पानी आता है। 4 दिन 5 दिन में एक बार पानी आता है? कितने देर के लिए? आधा घंटा के लिए। तो आप लोगों ने किसी से शिकायत नहीं किया कि आधा 4 दिन 5 दिन पर आधा घंटा के लिए पानी आता है? शिकायत करे कोनो आईबे नहीं करता है इस पानी के लिए, तो किससे शिकायत करे? आप देख सकते हैं बिहार सरकार के नल जल योजना के तहत यहाँ पे नल भी लगा हुआ है और एक हैंडपम्प भी है,
लेकिन ना ही तो इस नल में पानी है, ना ही इस हैंड पंप में पानी की व्यवस्था है, हैंड पंप भी खराब हुआ पड़ा है। और लोगों का कहना है कि 4 से 5 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी आधा घंटा के लिए, और जिस समय पानी आता है इस नल में करंट भी आता है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है ये स्थिति है बिहार सरकार के दावों की, जो कहती है कि हम हर पल जनता के साथ है, जनता के दुख दर्द के भागी हैं। क्या दुख दर्द देख रहे हैं जनता का, देखिए जनता किस तरह से रहने को मजबूर है यहाँ पे, तिल तिल कर जनता यहाँ पे मर रही है। इलियास, आप लोग कुष्ठ कॉलोनी के निवासी हैं? हाँ, कुष्ठ कॉलोनी का निवासी है। कितने दिन से हैं यहाँ पर बांध पर? 1 महीना से रहते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई नहीं है। अभी तक प्रशासन के तरफ से, शासन के तरफ से कोई मदद नहीं मिला आप लोगों को? झांकने भी नहीं आया है। आप अपने स्थानीय विधायक के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? विधायक तो क्या कहे, विधायक नहीं जीता था तो बोला कि जो मैंने यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, और उस दिन से एक बार तक झांकने भी नहीं आता है। तो आप लोग को सुविधा के नाम पर, इस समय सहायता के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिला है, खाली ऊपर नहीं दिया है बस। कहाँ के निवासी हैं आप लोग? कुष्ठ कॉलोनी के। तो ये आपके यहाँ पर ये बाढ़ की स्थिति हर साल होती है? पिछले साल में तो एक लड़का भी डूब भी गया। अभी आप लोगों को सरकार के तरफ से कोई सुविधा प्रशासन के तरफ से मिला है या नहीं? एक पानी को मिला था, एक कोई बात कोई अभी भी है, कितना आदमी के कह रहे हैं सब कल हलवा दीजिए, पानी नहीं सुविधा है, नल आता है तो पानी भरते हैं हम लोग, नहीं तो एनाते उन्हें वरुण कुमार के क्लिनिक तर से लाते हैं पानी उन्हीं ओकरा बाद अबा कल भी है हम लोग के, तो कहें कि वह कल के उखाड़ के हलवा देना चाहिए, वो भी नहीं कोई कर रहा है, वही पर कब्जा भी कर लिया है वही कल के जगह पर। मतलब प्रशासन की तरफ से सुध लेने के लिए अभी तक आप लोगों के पास कोई नहीं आया है? तो अभी खाने पीने का कैसे व्यवस्था चल रहा है आपको इस समय? चल रहा है अब जैसे मूंग रोटी चल रहा है, जैसे घर पर खाते हैं वैसे ही एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखे सही आते हैं वाले तो बच्चे भी इसी तरह एक टाइम खाते हैं एक टाइम भूखे रहते हैं। जब घर में खाने नहीं बनेगा तो कौन खाएगा, बच्चा चाहे कोई भी इस बार कुछ भी नहीं मिला अभी तक। कहाँ पर रहते हैं? रिंग बांध पर जी, ये कुष्ठ कॉलोनी में। तो यहाँ पर आप लोग बांध पर कब से शरण लिए हुए हैं? 1 महीना हो चुका था। 1 महीना हो गया। सरकारी सुविधा आप लोगों को कुछ मिला है कि नहीं? कुछ नहीं ना। खाने पीने का व्यवस्था कैसे चल रहा है? कुछ ना, वह मांगता के वो कहाँ जाओ, सब लोग कहे थे गांव में के कोरोना लेके आया कहाँ था जो खाए लगी, तो भूखे प्यासे पड़ल छी सुन ली, और ना पानी पिए लायक भर जाए पानी भर, तो वो भगा हुई मार्केट के। पानी का भी व्यवस्था नहीं है आप लोगों के पास? कुछ ना, ना कुछो के जरूरी ना सर से, ना नान के ना पानी के, एगो पानी तो मिली है वह सरकार तरफ से काल बस, सिर्फ अभी तक आप लोगों को पन्नी मिला है, बाकी खाने पीने का कोई सुविधा नहीं आप लोगों को। कर्मचारी घेर ली तब देलक, न वो न मिली न मुखिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।